वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है। चुनावों की घोषणा का मतलब पिछले सरकार की विदाई और नए सरकार का आगमन। अब सत्ता के इस फेर बदल में कौन सी सरकार अपनी सत्ता काबिज रख पाती है, ये बहुत हद तक निर्भर करता है कि उनका इस कार्यकाल में प्रदर्शन कैसा था। कार्यकाल के इस प्रदर्शन का आज हम करेंगे मूल्यांकन और इसके लिए हम मदद लेंगे कुछ सरकारी और विश्वसनीय आंकड़ों का। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और फिस्कल कंडीशन पे, यानी कि राजकोषीय स्थिति और विकास और अन्य मामलों में सरकारों ने कितना खर्च किया। ये आंकड़े रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में जारी किए हैं। सबसे पहले बात करें अगर पंजाब की, तो पंजाब के साथ एक अच्छी बात रही है कि इन्होंने हेल्थ डेवलपमेंट और एजुकेशन में ठीक ठाक प्रदर्शन किया है, लेकिन इनका जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो नेशनल एवरेज के मुकाबले कम है। और पंजाब के साथ नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये अपनी राजकोषीय स्थिति को बरकरार नहीं रख पा रहे हैं। पिछले करीब एक डेढ़ दशक से ये रेवेन्यू डेफिसिट में जा रहे हैं, यानी कि इनका बजट जो है वो राजकोषीय घाटे की तरफ है। दूसरी बात, अगर हम लोग दूसरे स्टेट पे जाएं, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, तो उत्तर प्रदेश ने सबसे बड़ा नेगेटिव सेटबैक इनका शिक्षा के स्तर पे रहा है। शिक्षा में उत्तर प्रदेश 4% तक इन्होंने अपने खर्च में कटौती की है। इनका जो शिक्षा के स्तर में खर्च है वो करीब 4% गिर चुका है, और 4% एक बड़ा आंकड़ा है जहां तक शिक्षा की बात की जाए। हालांकि उत्तर प्रदेश के लिए जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि ये पिछले डेढ़ दशक से रेवेन्यू सरप्लस में है, यानी कि जो इनकी राजकोषीय आमदनी है वो इनके खर्च से ज्यादा है। अगर बात करें गोवा की, तो गोवा का करीब करीब हर सेक्टर में, चाहे वो हेल्थ हो या डेवलपमेंट हो या एजुकेशन हो, इस मामले में इनका खर्च काफी बेहतर रहा है। लेकिन जो बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ रही है वो इन्फ्लेशन की रही है। गोवा में महंगाई ठीक ठाक तरह से बढ़ रही है, और पिछले साल की अपेक्षा इस साल इन्होंने मुद्रास्फीति को ये कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर में इन्फ्लेशन काफी बढ़ा है, और साथ ही साथ हेल्थ पे जो इनका खर्च है वो पिछले साल की तुलना में घटा है। इनफैक्ट पांच राज्यों में मणिपुर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने स्वास्थ्य पे खर्च को घटाया है पिछले साल की तुलना में। बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड का परफॉर्मेंस करीब करीब हर इंडिकेटर पे ठीक ठाक रहा है। स्वास्थ्य और एजुकेशन के क्षेत्र में भी सुधार देखने को मिला है, लेकिन इनके साथ नेगेटिव पॉइंट इन्फ्लेशन को लेके है। इन्फ्लेशन उत्तराखंड में भी बढ़ा है। अगर बात करें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो कि रिसेंट में आया था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में कुछ डेटा हमारे पास आए हैं जिसमें उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए काफी नेगेटिव पॉइंट जो इनके साथ रहा है कि जो सेक्स रेशियो एट बर्थ का क्राइटेरिया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने दिया है, उसमें उत्तर प्रदेश और पंजाब ने बुरा परफॉर्म किया है। पिछले साल की तुलना में भी इनका परफॉर्मेंस गिरा है, और साथ ही साथ जो बड़ी बात है वो ये है कि ये दो स्टेट्स ऐसे हैं जो कि नेशनल एवरेज से नीचे जा रहे हैं इन पांच राज्यों में। अगर बात करें हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो HDI के स्टेट वाइज रैंकिंग के हिसाब से अगर सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की बात करें, तो गोवा 0.764 के आसपास परफॉर्म कर रहा है, जो कि करीब करीब नेशनल एवरेज से ऊपर है। पंजाब की बात करें, तो पंजाब ने भी बेहतर परफॉर्म किया है, इन्हें 0.724 की रैंकिंग मिली है। उत्तराखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश का परफॉर्मेंस खासा अच्छा नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश सबसे मिनिमम परफॉर्मिंग स्टेट्स में है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में। उत्तर प्रदेश का स्कोर 0.546 रहा है, वहीं उत्तराखंड का स्कोर 0.683 और मणिपुर का स्कोर 0.697 रहा है। अगर बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के आंकड़े नीति आयोग जारी करता है। तो इस साल जो नीति आयोग के SDG के आधार पर अगर हम इन स्टेट्स की परफॉर्मेंस को मेजर करें, तो गोवा और उत्तराखंड ने काफी बेहतर परफॉर्म किया है। आउट ऑफ 100 गोवा का स्कोर 72 है और उत्तराखंड का स्कोर रहा है वो 72 है, जो कि नेशनल एवरेज के हिसाब से काफी बेहतर परफॉर्मेंस है, इन्होंने अच्छे से अचीव किया है। वहीं अगर पंजाब और मणिपुर की बात करें, तो इनका भी
स्कोर ठीक ठाक रहा है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश है वो 60 के स्कोर के साथ लीस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स के आसपास आता है। सबसे कम परफॉर्मेंस में अगर कुछ स्टेट्स आएंगे तो उत्तर प्रदेश उस जोन में आ रहा है। रिसेंटली अगर हम लोग वैक्सीनेशन ड्राइव की बात करें तो वैक्सीनेशन ड्राइव में भी जो रिसेंट आंकड़े हैं उस हिसाब से गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड का परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है। गोवा ने खैर काफी ठीक ठाक परफॉर्म किया है, लेकिन अगर बात करें उत्तर प्रदेश और पंजाब की तो उत्तर प्रदेश और पंजाब वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में है, और उत्तर प्रदेश और पंजाब का जो एवरेज है वो नेशनल एवरेज से भी कम है जहां तक वैक्सीनेशन की बात की जाए। इसके अलावा एक जो बड़ी बात है वो कोरोना की हैंडलिंग को लेके है, तो कोरोना की हैंडलिंग को लेकर भी उत्तर प्रदेश में कई सारे कंट्रोवर्सीज हैं। कई कुछ सर्वेज ने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश का जो परफॉर्मेंस है वो काफी बुरा रहा है, मौतों की संख्या में भी उत्तर प्रदेश ने काफी टाइम तक लीड किया है। खैर ये रहा इन पांच राज्यों का अलग अलग आधारों पर मूल्यांकन। पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और इन पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर अपडेट आपको जनसत्ता के यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर मिलेगी।